हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान, हिंसा के लिए दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। किसान नेताओं ने विश्वासघात किया। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 25 से ज्यादा FIR दर्ज, कुल 37 किसान नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी, 50 से ज्यादा हिरासत। हिंसा में सभी किसान नेताओं के शामिल होने का आरोप, पुलिस कमिश्नर ने कहा बड़े किसान नेताओं को रैली के आगे आगे चलना। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालने से पुलिस ने मना किया था, 5 राउंड की बात के बाद 3 रूट्स पर रैली निकालने की इजाजत दी थी। दिल्ली पुलिस ने शर्त रखी थी कि किसान हथियार नहीं लाएंगे, 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं होने चाहिए। 5 घंटे का वक्त रैली के लिए शर्तों के साथ दिया गया। केकड़ी बॉर्डर से सुबह 8:30 बजे भीड़ रवाना होगी। श्रीवास्तव बोले 25 जनवरी की शाम पता चला किसान वादे से मुकरेंगे, 26 जनवरी को सुबह 6:30 बजे ही बैरिकेडिंग तोड़ने लगे थे किसान। कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया, किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने भी बात नहीं सुनी। कमिश्नर बोले पुलिस ने पूरा संयम दिखाया, नहीं चाहते थे कोई नुकसान। श्रीवास्तव ने कहा 394 पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ ICU में हैं, पुलिस शांतिपूर्ण रैली करवाना चाहती है। हिंसा करने वाले लोगों के वीडियो पुलिस को मिले, किसानों के साथ आई भीड़ ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। पुलिस कमिश्नर बोले किसान नेता दोषी पाए गए तो ये कार्रवाई होगी, हिंसा के किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक्शन में किसी की जान नहीं गई, सभी किसान संगठनों से पूछताछ हुई। सिंघू बॉर्डर से किसानों का बड़ा ऐलान, हिंसा की वजह से 1 फरवरी का संसद मार्च स्थगित। किसान नेताओं ने दंगे की नैतिक जिम्मेदारी ली, बलवीर सिंह राजोवाल ने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। FIR में दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह और जोगिंदर सिंह उग्रहन के नाम, योगेंद्र यादव पर भी केस दर्ज। किसान नेता सतनाम पन्नू, बलबीर सिंह राजेवाल और बूटा सिंह गुर्जगल का नाम भी शामिल। समयपुर बादली FIR में राकेश टिकैत समेत 30 से ज्यादा किसान नेताओं के नाम, कुछ महिला एक्टिविस्ट के भी नाम। समयपुर बादली में भी राकेश टिकैत पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप, धारा 307 लगाई गई। राकेश टिकैत पर भी गाजीपुर में केस दर्ज, गाजीपुर बॉर्डर पर भी रूट का पालन नहीं हुआ था। गाजीपुर थाने में भी किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ जान से मारने की कोशिश की, धारा में FIR, अन्य किसान नेताओं के नाम भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश में लाल किले में डकैती का मामला दर्ज किया, लाल किले के से सामान उठाकर ले गए दंगाई। दिल्ली हिंसा के बाद बुधवार को बढ़ाई गई लाल किले की सुरक्षा, 1500 से ज्यादा जवान तैनात। दिल्ली हिंसा में किसान नेताओं की मुश्किलें बढ़ी, आउटर दिल्ली में 5 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, रिटायर्ड जजों का एक आयोग बनाकर जांच कराने की मांग। IT और लाल किले के पास दंगे की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर सकती है, SIT को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक, गृह सचिव, IB डायरेक्टर और दिल्ली के कमिश्नर मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया लाल किले का दौरा, हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रहलाद पटेल ने तत्काल जांच करा के रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने को कहा, मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा के बाद एक्टिव हुआ ट्विटर, 550 से ज्यादा अकाउंट्स पर अस्थायी रोक। ट्रैक्टर परेड में मारे गए किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, ट्रैक्टर पलटने से लगी चोट की वजह से मौत हुई, गोली न लगने की पुष्टि। मोहन गार्डन के SHO बलजीत सिंह के दोनों हाथों में फ्रैक्चर, हिंसा के समय नजफगढ़ रोड पर ड्यूटी लगी थी। नॉर्थ दिल्ली के DCP के ऑपरेटर संदीप भी जख्मी, कहा शराब के नशे में थे दंगाई, तलवारों और लाठियों से हमला किया। दिल्ली हिंसा में कुल 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी, बाहरी दिल्ली के 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। हिंसा में घायल हुए 62 पुलिसकर्मी LNJP हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे, ज्यादातर पुलिसकर्मी डिस्चार्ज। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर बयान दिया, कहा सरकार और दूसरी ताकतों को आंदोलन तोड़ने नहीं दिया जाएगा। चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानू ने आंदोलन से पीछे हाथ खींचा, समर्थन वापस लिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह बोले हिंसा से दुखी हूं इसलिए खत्म कर रहे हैं आंदोलन। किसान मजदूर संगठन भी आंदोलन से पीछे हटा, कहा दूसरे तरह के लक्ष्य रखने वालों का साथ नहीं दे सकते। समिति के अध्यक्ष BM सिंह ने हिंसा को शर्मनाक बताया, बोले तय रूट से बाहर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। BM सिंह ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बोले कुछ संगठनों ने करोड़ों की बात की थी तो सरकार को पता था। राहुल गांधी ने फिर दिल्ली में हिंसा का विरोध किया, गांधी जी के हवाले से कहा विनम्र तरीके से आप हिला सकते हैं दुनिया। आंदोलन के बाद अब हिंसा को लेकर सियासत, कांग्रेस ने हिंसा के लिए गृहमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा अमित शाह के इशारे पर किसान नेताओं पर मुकदमे हो रहे हैं, दिल्ली में उपद्रव रोकने में अमित शाह असफल रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में आए अभय चौटाला, विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने कहा दिल्ली में हिंसा केंद्र सरकार की साजिश। किसान नेताओं के समर्थन में आए दिग्विजय सिंह, बोले 15 उपद्रवियों को पुलिस को सौंपा गया था, सरकार ने अलग षड्यंत्र रचा। दिग्विजय ने कहा लाल किले पर नहीं लगाया गया खालसा पंथ का झंडा, बोले तिरंगे झंडे के नीचे किसान यूनियन का झंडा लगाया गया। अखिलेश यादव ने कहा केंद्र ने किसानों की नाराजगी को गुस्से में बदला, फौरन तीनों कानून वापस हो। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने कहा केंद्र के पास क्यों नहीं थी खुफिया सूचना, लाल किले में कैसे घुस सकते हैं प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा दिल्ली के में किसान छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। किसानों से अगली वार्ता पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बातचीत का दरवाजा नहीं हुआ है बंद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने की अराजकता ने शर्मसार किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन, बोले भारत ने 12 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया,
नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का फैसला, एमएसपी 10,335 रुपए प्रति क्विंटल की। चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता के स्मारक का अनावरण, तमिलनाडु के सीएम पलनी स्वामी ने उद्घाटन किया। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का ममता पर आरोप, मुसलमानों को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अपनी अलग पार्टी बनाने वाले पीरजादा ने कहा, बंगाल चुनाव में किंग मेकर बनेंगे, सभी को संविधान ने दिए हैं अधिकार। राजस्थान के भारत सिंह राजपुरोहित को मिलेगा इंडिया डेयरी अवार्ड, 30 जनवरी को वर्चुअल समारोह, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर वायनाड पहुंचे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 59 चीनी ऐप बैन करने पर बौखलाया चीन, भारत पर लगाया WTO के उल्लंघन काल। बिहार की बीजेपी प्रवक्ता असफर शमसी पर फायरिंग, मुंगेर में जमालपुर कॉलेज के पास हमला। मुंगेर एसपी ने कहा, 2 से 3 बदमाशों ने शमसी को गोली मारी, एक प्रोफेसर के साथ चल रहा था झगड़ा। एनआईए करेगी शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह हत्याकांड की जांच, पिछले साल पंजाब में हुआ था मर्डर। मुंबई के मीरा रोड पर गहने की दुकान में डकैती का मामला, लखनऊ से 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट के गहने बरामद, 46 अंगूठियां और हीरे के 4 हार मिले। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 2 बेटियों की हत्या, अंधविश्वास के मामले में हत्या की आशंका, माता पिता गिरफ्तार। देश में एक दिन में कोरोना के 12,689 नए मामले, 137 संक्रमितों की मौत। देश में बीते 20 दिनों से लगातार नए केसेस के मुकाबले रिकवर होने वालों की तादाद बढ़ी, रिकवरी रेट 57% के करीब। अब सिनेमा हॉल्स में बैठ सकेंगे 50% से ज्यादा लोग, केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश। देश में अब तक 23,28,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा, बुधवार को करीब 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। दिल्ली में कोरोना के 96 नए मामले, 9 मौतें, राज्य में कोरोना के 1,500 केस। दिल्ली में कोरोना केस घटने के बाद फैसला, सरकारी अस्पतालों के अंदर सभी सेवाएं शुरू होंगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,171 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 32 की मौत। गुजरात में कोरोना केस घटने के बाद 1 फरवरी से 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। दुनिया में कोरोना के 10,09,00,000 से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 21,70,000 के करीब। कोरोना को लेकर WHO ने जारी की नई क्लिनिकल एडवाइजरी, कहा 2021 के बाद भी रह सकता है कोरोना वायरस। नेपाल में भी वैक्सीनेशन शुरू, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है टीका। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया, भेजे गए थे वैक्सीन के 10 लाख डोज। चीन में सालाना स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारी, आयोजन से पहले 2,20,00,000 लोगों को लगाए जाएंगे टीके। इंडोनेशिया में तेजी के साथ दी जा रही है वैक्सीन, राष्ट्रपति जोको विडोडो ने लगवाया टीके का दूसरा डोज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने लगाया आरोप, बोले अमीर देश कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की जमाखोरी। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग रोकने वाला प्रस्ताव खारिज किया, फरवरी में हो सकता है ट्रायल। जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की हुई बात, हथियारों को कम करने के समझौते को 5 साल तक बढ़ाने पर सहमति। जो बाइडेन ने H-1B वीजा वाले भारतीयों को दी खुशखबरी, वीजा धारकों के जीवन साथी काम जारी रख सकें। ईरान के खिलाफ जमकर सैन्य तैयारी कर रहा है इसराइल, मिलिट्री कमांडर्स ने दिया आने वाले वर्षों में तैयार रहने का आदेश। भारत के बाद अब ग्रीस को रफाल देगा फ्रांस, 2.8 अरब डॉलर की डील से बढ़ेगी तुर्की की टेंशन। वर्ल्ड बैंक के सामने झोली फैलाने को मजबूर पाकिस्तान, इमरान खान को 12 अरब डॉलर के कर्ज की उम्मीद। नेदरलैंड्स में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू का 4वां दिन शांतिपूर्ण गुजरा, 2 दिन में हुए प्रदर्शन में 300 लोग गिरफ्तार। इंडोनेशिया के मेरापी पर्वत पर फूटा ज्वालामुखी, 1500 मीटर तक लावा बहने से दहशत। अर्जेंटीना के रियो नीग्रो प्रांत में जंगल में आग, 8,000 हेक्टेयर जलकर खाक। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान, हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचेगी। अमेरिका के डेनवर में बर्फबारी की वजह से बड़ा हादसा, 17 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। अमेरिका के एरिजोना में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, घाटी में फंसे थे पर्वतारोही। IMF ने इस साल भारत की GDP ग्रोथ 11.5% रहने का अनुमान लगाया। देश में पुरानी गाड़ियों पर लग सकता है ग्रीन टैक्स, 3,800 रुपए सालाना तक करना पड़ सकता है भुगतान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की मजबूती, 1 डॉलर की कीमत 72.92 रुपए। सेंसेक्स में 937 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 271 अंक नीचे आया। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार।